140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई है। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई है, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त जरूर लगेगा। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग उठी है। अपेक्षाकृत वे अपने अधिकार के प्रति सजग और चौकन्न हो गए हैं, परंतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि कम से कम संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई। अब कम से कम ढांचा तो तैयार हो गया है। जब ढांचा तैयार हो गया है, तब बाकी कार्य भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व बन जाता है कि बगैर राग द्वेष के एकजुट होकर संकल्प की पूर्ति करने का प्रयास करें। पंचायत कार्यालयों के अंदर अपेक्षाकृत पर्याप्त अमला नहीं है। अमले के अभाव में कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक वित्तीय प्रशासनिक दायित्व नहीं सौंपे गए हैं। यथाशीघ्र अपेक्षित वित्तीय प्रशासनिक अधिकार संबंधी निर्देश जारी किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जन कल्याणकारी विकास के कार्यों में अवरोध पैदा करने की तुलना में उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति के संबंध में ऊंची-ऊंची बातें सरासर बेईमानी होगी। अब आवश्यक हो गया है कि आर्थिक सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से हमारा प्रदेश हमारे देश का एक आदर्श राज्य बन सकता है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इन अधिकारों से कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा राजसत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सपने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक तरीके से प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए।